वहाँ पे आनंद उत्सव में हमें बहुत मज़ा आया। और ये जो नाच में है थोड़ी देर बाद ही आता है, जिसमें हमने काफ़ी डांस कीर्तन किया, दूसरा कीर्तन भी किया, और ये यहाँ पे छोटे छोटे कृष्ण जी के रूप में बाल गोपाल भी आए थे। इस्कॉन पठानकोट की तरफ से रामलीला ग्राउंड के प्रांगण में नंद उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और जन जन ने आनंद लिया। भगवान कृष्ण के भजनों पर सबने गुणगान किया और हमने दो छोटे छोटे बालक जो कृष्ण और बलराम के रूप में आए, उन्होंने सबका मन मोह लिया। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप सभी हर रविवार 12 से 3 इस्कॉन की तरफ से प्रोग्राम किया जाता है, आप भी सभी आइए और लाभ उठाइए। आज रामलीला ग्राउंड में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद नंद उत्सव मनाया गया। इस नंद उत्सव में सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से भाग लिया, मन से, तन से और धन से। और मैं चाहती हूँ कि पठानकोट इस्कॉन से सब लोग जुड़ें और इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। भगवान हम सबको मौका देते हैं, बार बार ऐसे कार्य करवाते हैं जिससे हम उनके धाम को वापस जा सकें। भगवत गीता के माध्यम से भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मैं दिव्यम। तो भगवान ने जब जन्म लिया तो जन्म मथुरा में लिया, लेकिन फिर वो नंद के घर चले गए। और जब नंद के घर में भगवान पहुँचे तो वहाँ पर ये नहीं कहा गया कि नंद के घर बेटा हुआ है, कहा गया नंद के घर आनंद हुआ है। तो उसी आनंद उत्सव को, जो कि भगवान के प्रकट होने के अगले दिन मनाया गया, उसी को हम यहाँ पर आज रामलीला ग्राउंड में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बड़े सुंदर कृष्ण बलराम के स्वरूप बनाए गए और लोगों ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ उनके दर्शन किए और उनके साथ नृत्य किया। हमारा केवल और केवल एक ही मकसद है कि लोग किसी तरह से भी भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएं। भगवान इतने सुंदर हैं कि सबको आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि हम सब भगवान की तरफ पीट कर खड़े हैं। लेकिन ये आनंद उत्सव लोगों को एक अवसर देता है कि लोग भगवान की तरफ मुख करें।